के दिनों में ज्योतिषाचार्य जी, किन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है और क्यों नहीं खरीदना चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। 18 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है और पितृपक्ष का जब प्रारंभ हो जाएगा तो कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसको पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए, वह खरीदना अशुभ माना जाता है और पितृ भी नाराज हो जाते हैं। जैसे धातु में सोना, चांदी, लोहा इत्यादि पितृपक्ष में न खरीदें। धोता इसके बाद सोना, चांदी इत्यादि तो धातु, लेकिन कहा गया है कि पितृपक्ष में वाहन और भूमि भी की खरीदारी न करें, वह भी खरीदने से आपको हानि हो सकता है। और साथ ही साथ यदि आप मकान बना रहे हैं तो छत का ढलाई पितृपक्ष में कदापि न करें, छत का ढलाई पितृपक्ष में हानिकारक होता है। इसलिए पितृपक्ष जब समाप्त हो जाए तो आप ढलाई करें। साथ ही साथ चमड़े से बने हुए चप्पल या जूता ये भी आप पितृपक्ष में न खरीदें। और खरीदने का तो मना ही कपड़ा का भी है, कपड़ा भी नया खरीद करके पितृपक्ष में नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ निश्चित रूप से नाराज हो जाएंगे और आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव न पड़ करके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष में विशेष सावधानी रखें और मांस मदिरा का सेवन भी पितृपक्ष में न करें, यह तो अन्यथा एकदम अनुचित है।